इंडस्ट्री के ऐसे कई सितारे हैं जो अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। कई बार एक्टर्स महिलाओं के किरदार में नजर आते हैं और अपने लुक से फैंस को भी हैरान कर देते हैं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में जिन्होंने बड़े पर्दे पर महिलाओं के किरदार को निभाया और अपनी एक्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस किया। इस लिस्ट में नंबर एक पर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज अपने वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में नवाज की फिल्म हड्डी का एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें वे एक खूबसूरत महिला के किरदार में नजर आ रहे हैं और यकीन मानिए इस फिल्म के पोस्टर को देखकर आप नवाज को पहचान नहीं पाएंगे। कुछ लोग नवाज के इस रूप को अर्चना पूरन सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। इस फिल्म हड्डी में नवाज ग्लैमरस हसीना बनकर फैंस के होश उड़ाएंगे। लिस्ट में अगला नाम है आयुष्मान खुराना का। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से पॉपुलर हुए एक्टर आयुष्मान खुराना भी इस लिस्ट में शामिल है। आयुष्मान ने साल 2019 में फिल्म ड्रीम गर्ल में एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था जो कि लड़कियों की आवाज निकालकर पैसे कमाता है। वहीं इस फिल्म के गाने के लिए आयुष्मान लड़की के गेटअप में भी नजर आए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इस लिस्ट में नंबर दो पर है अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी महिला के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। फिल्म लावारिस का गाना मेरे अंगने में किसको याद नहीं होगा। इस गाने में अमिताभ महिला का भेष बनाकर डांस करते हुए नजर आए थे। उनका यह गाना सुपरहिट रहा था। लिस्ट में अगला नंबर है गोविंदा का। बॉलीवुड के छोटे मियां गोविंदा फिल्म आंटी नंबर वन में एक महिला के किरदार में नजर आ चुके हैं। इस फिल्म में गोविंदा की अदा और उनके लुक्स ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। आंटी नंबर वन का यह किरदार आज भी लोगों के जहन में है। लिस्ट में अगला नंबर है अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी फिल्म खिलाड़ी के एक सीन के लिए खूबसूरत महिला के रूप में नजर आए थे। अक्षय कुमार के इस महिला वाले लुक की काफी तारीफ हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी इस लिस्ट में शामिल है। आमिर फिल्म बाजी में एक दबंग पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म के एक सीन के लिए आमिर ने महिला का रूप धारण किया था। ब्लैक आउटफिट, घुंघराले बाल और ब्लैक ज्वेलरी पहने आमिर का यह लुक काफी शानदार था। लिस्ट में अगला नाम है सलमान खान का। सलमान खान फिल्म जाने मन में एक ग्लैमरस लड़की के खूबसूरत से लुक में नजर आए थे। इस फिल्म में प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार भी नजर आए थे। हालांकि सलमान का यह लड़की वाला रूप देखकर दर्शक काफी हैरान हुए थे। लिस्ट में अगला नाम है रितेश देशमुख का। फिल्म हम शक्ल में रितेश देशमुख ने महिला बनकर फैंस को खूब हंसाया था। पिंक टॉप और ओपन हेयर में रितेश का यह लुक काफी शानदार था और दर्शकों को भी रितेश का महिला वाला लुक काफी पसंद आया था। लिस्ट में अगला नाम है श्रेयस तलपड़े का। फिल्म पेइंग गेस्ट में श्रेयस तलपड़े एक महिला के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में श्रेयस की एक्टिंग को काफी सराहा गया था। लिस्ट में अगला नाम है कमल हासन का। 1997 में आई फिल्म चाची 420 में कमल हासन की परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में कमल हासन चाची के रोल में नजर आए थे। सलीकेदार साड़ी पहने, बड़ी सी बिंदी लगाए कमल हासन का यह लुक आज भी लोगों को याद है। लिस्ट में अगला नाम है जॉनी लीवर का। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर को हाउसफुल 4 में लड़की के किरदार में देखा गया था। जॉनी ने यह किरदार बेहद जबरदस्त तरीके से निभाया था। लिस्ट में अगला नाम है शाहरुख खान का। फिल्म डुप्लीकेट के एक सीन के लिए शाहरुख खान भी लड़की के किरदार में नजर आए थे और उनकी अदाएं देखकर फैंस भी हैरान रह गए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है शाहिद कपूर का। जी हाँ, शाहिद कपूर भी लड़कियों के अंदाज में फैंस का दिल जीत चुके हैं। फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में शाहिद कपूर एक लड़की के रोल में नजर आए थे। पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स पहने शाहिद का ये रूप बेहद शानदार था। लिस्ट में अगला नाम है सैफ अली खान और राम कपूर का। फिल्म हम शक्ल में सैफ अली खान और राम कपूर भी लड़कियों के अवतार में नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन दोनों के ये लुक फैंस को हंसाने के लिए कामयाब रहे। लिस्ट में अगला नंबर है जावेद जाफरी का। जावेद जाफरी कई फिल्मों में लड़कियों के किरदार में नजर आ चुके हैं। फिल्म पेइंग गेस्ट में वो एक फनी महिला के रोल में नजर आए थे। इससे पहले वो तहलका और मिस्टर श्रीमती में भी लड़कियों के किरदार में नजर आ चुके हैं।
लिस्ट में अगला नंबर है अक्षय खन्ना का। फिल्म नो प्रॉब्लम में अक्षय खन्ना एक सेक्सी लड़की के रूप में नजर आए थे जो कि अनिल कपूर को सीड्यूस करते हुए नजर आई थी। लिस्ट में अगला नंबर है आशीष चौधरी का। फिल्म डबल धमाल में आशीष चौधरी एक सेक्सी गर्ल के रूप में नजर आए थे जो कि संजय दत्त को सीड्यूस करते हुए नजर आई थी। लिस्ट में अगला नाम है शर्मन जोशी का। साल 2001 में अपने डेब्यू फिल्म स्टाइल में शर्मन जोशी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक लड़की के रूप में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म गोलमाल में भी लड़की के अवतार में नजर आए। लिस्ट में अगला नंबर है तुषार कपूर, अजय देवगन और अरशद वारसी का। गोलमाल रिटर्न के एक सीन के लिए तुषार कपूर, अजय देवगन और अरशद वारसी भी लड़कियों के अवतार में नजर आए थे। उनका यह रूप बेहद फनी था। इस लिस्ट में अगला नाम है संजय दत्त का। 1984 में फिल्म मेरा फैसला के एक सीन के लिए संजय दत्त भी लेडी के अवतार में नजर आए थे। पिंक कलर का सलवार सूट पहने, मांग टीका और नथ पहने संजय दत्त काफी फनी लग रहे थे। लिस्ट में अगला नाम है प्रकाश राज का। प्रकाश राज ने फिल्म महारानी में अप्पू का किरदार निभाया था और इस फिल्म में वो एक लेडीज के रूप में भी नजर आए थे। सलीकेदार साड़ी, बालों में कचरा और मांग में सिंदूर लगाए प्रकाश राज का यह रूप बेहद खूबसूरत था। लिस्ट में अगला नाम है रजनीकांत का। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुके एक्टर रजनीकांत भी फिल्म पनाकरण में एक महिला के रूप में नजर आ चुके हैं। यह फिल्म बॉलीवुड फिल्म लावारिस की रिमेक थी। यह फिल्म 200 से ज्यादा दिनों तक चली थी और इस फिल्म में रजनीकांत के अद्भुत अभिनय ने फैंस का दिल जीत लिया था। लिस्ट में अगला नाम है शमी कपूर का। बड़े पर्दे पर महिलाओं का किरदार निभाने का चलन बॉलीवुड में काफी पुराना है, क्योंकि इस लिस्ट में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शमी कपूर का नाम भी शामिल है। शमी कपूर ने 1963 में फिल्म ब्लफ मास्टर में एक लड़की का किरदार निभाया था और उनकी अदाएं देखकर उन्हें पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। लिस्ट में अगला नाम है ऋषि कपूर का। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भी लड़कियों के किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। फिल्म रफू चक्कर में ऋषि कपूर मिनी ड्रेस पहने और कैबरेट डांस करते हुए नजर आए थे और लड़कियों के इस अंदाज में उनकी अदाओं ने फैंस का भी दिल जीत लिया था। लिस्ट में अगला नाम है दारा सिंह का। 1965 में फिल्म लुटेरा के एक गाने पतली कमर नाजुक उमर के लिए दारा सिंह भी लड़कियों के गेटअप में नजर आए थे। आसमानी कलर का सूट पहने तो चोटियां बांधे दारा सिंह का यह लुक काफी अच्छा था। लिस्ट में अगला नाम है महमूद का। 1971 में फिल्म जोहर महमूद इन हांगकांग के गाने के लिए महमूद भी लड़कियों के किरदार में नजर आए थे। लिस्ट में अगला नाम है शशि कपूर का। फिल्म हसीना मान जाएगी के एक सीन के लिए शशि कपूर लड़की के अवतार में नजर आए थे। टिपिकल अनारकली सूट पहने शशि कपूर इस रोल में काफी फनी लग रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।